आज भी बहुत सारे लोग वर्कआउट करने के बाद एक ग्लास बड़ा फ्रूट जूस का पी के आते हैं और ऐसा सोचते हैं कुछ हेल्दी चीज ले ली, जिम तो करा है, कुछ हेल्दी चीज ले ले। हेल्दी ऑप्शन में बार सभी को फ्रूट जूस ही दिखाई देता है। जो वेंडर आपसे पूछता है फ्रूट जूस का कितना बड़ा ग्लास होना चाहिए, हंस के बोलते हो कि सबसे बड़े वाला ग्लास बना दो। फ्रूट जूस और फ्रूट में हम कंपैरिजन आपको बताने वाले हैं, बने रहे मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। हे थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू लक्ष्य फिटनेस। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य मकड़। आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट जूस के आपके लिए हेल्दी है या नहीं हेल्दी है। बहुत सारे लोग आज भी जो ब्रेकफास्ट करते हैं इतना बड़ा मग ऑरेंज जूस का बना के रख लेंगे, फिर दो ग्लास ऑरेंज जूस ही पी लेंगे। ब्रेकफास्ट में परांठा आपने कम खाया, ऑरेंज जूस के आपने दो ग्लास पी लिए, ऐसा सोचते हैं कि मैंने हेल्दी कुछ खा लिया। बट मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप फ्रूट जूस की जगह फ्रूट खाने को देखें, क्योंकि फ्रूट जूस के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है और शुगर भी प्रेजेंट होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो चीनी नहीं डालते, माई डियर फ्रेंड उसके अंदर ऑलरेडी शुगर बहुत सारा प्रेजेंट होता है। फाइबर तो आप सारा निकाल के फेंक देते हो, जो शुगर शुगर बचती है वही आप पी रहे हो। फ्रूट्स के अंदर भी फ्रुक्टोस होता है, और अगर आपने एक ग्लास जूस भी पीना है, 300 ml जूस भी पीना है, चार पांच फ्रूट्स को मिला के एक ग्लास बनेगा। चार मौसमी होगी, चार संतरे हो गए, पाइनएप्पल हो गया, तो एक ग्लास जाके आपका फ्रूट का निकलेगा और उससे भी आपका पेट नहीं भरने वाला। तो आपने कितनी ज्यादा कैलोरीज भी खा ली और उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरने वाला और चीनी आप साथ में पी गए हैं, तो उसकी बजाय अगर एक फ्रूट या दो फ्रूट भी आप खाएंगे आपको काफी टाइम तक फुलर फील कराएगा, काफी टाइम तक आप अच्छा फील करेंगे, भरा भरा फील करेंगे। फ्रूट जूस के कंपैरेटिव फ्रूट खाने को देखिए, क्योंकि उसके अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है। और बाहर जब भी आप स्नैकिंग को देखते हैं तो फ्रूट ही खाएं, फ्रूट जूस ना पिए, क्योंकि उसके बाद फिर से आपको भूख लग जाएगी और जूस के अंदर हायर अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है और आप उसको रेगुलर रूटीन का पार्ट नहीं बना सकते। बहुत सारे लोगों को जिम करने के बाद देखते हैं पोस्ट वर्कआउट फ्रूट जूस पीते हैं, वो कभी नहीं आपको करना चाहिए। अगर पोस्ट वर्कआउट की चीज खानी है हाई प्रोटीन मील खाएं, शुगर मत खाएं। अगर कोई आपने चीज खानी है तो प्रोटीन के साथ आप बनाना ऐड कर सकते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऐड कर सकते हैं, बट उसको खाने को देखें, ऐसे उसको पीने को मत देखें। फ्रूट जूस आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपके लिए कैलोरीज को बढ़ाएगा ही और शुगर भी उसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट रहेगी। वही फ्रूट्स को सेम टाइम पे आप खाते हैं आपको सेटाइटी इंडेक्स भी देगा, काफी भरा भी फील कराएगा। तो मैं एक समरी आपके साथ फटाफट बना दूं कि फ्रूट जूस आपको क्यों नहीं पीना, क्योंकि हायर इन कैलोरीज होता है, हायर इन फ्रुक्टोज होता है, लो इन फाइबर होता है। तो आपके कुछ भी पैसे हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं हो रहे, बर्बाद ही हो रहे हैं। इससे बढ़िया एक स्कूप वे प्रोटीन का ले लें, वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा, आपकी मसल को भी रिकवर करने में हेल्प करेगा और आपको कैलोरीज भी ज्यादा नहीं मिलेंगी और शुगर भी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो हमेशा वाइजली इन्वेस्ट करें, भीड़ का पार्ट ना बने कि वो जूस पी रहा है तो मैं भी जूस पीऊंगा, या आपका जिम पार्टनर जूस पीता है तो मैं भी जूस पीऊंगा। सोचे समझे, दिमाग को परखें। ऑनलाइन ही आपको सारी जानकारी मिल जाती है, बट ये डिपेंड करता है आपको जानकारी कहां से लेनी है। हम हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें अच्छा कंटेंट होता है। हम कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाते हैं ये एक्सरसाइज करके 10 केजी रिड्यूस कर लें, वही कंटेंट ज्यादा आपको पसंद आता है, वही कंटेंट के पीछे ज्यादा लाइक्स और ज्यादा व्यूज आते हैं। हमारे व्यूज कम भी आते हैं तो भी हम आपके लिए जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फेसबुक पर हमें फॉलो कर दें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।